आज मैं लेकर आई हूँ गुणों से भरपूर एक पराठे की रेसिपी और इसके साथ हम सर्व करेंगे एक जबरदस्त सा टेस्टी सा रायता जो इस पराठे को और भी ज्यादा टेस्टी बना देगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसके साथ ही मैं आपको प्लेटिंग भी करना बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु, गुरमी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन भी प्रेस करिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मुनगा के पत्ते, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्रम स्टिक लीव। हिंदी में फ्रेंड्स इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, जैसे कि कहीं कहीं पर इसे सहजन बोला जाता है, कहीं पर मुरेंगा, हमारे यहाँ पे इसके मुनगा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम पत्तों को अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद इसके इस तरीके से पत्ते निकाल लेंगे। या आप वीडियो में जिस तरीके से देख रहे हैं इस तरीके से हमें पत्तों को अलग करना है। फ्रेंड्स इसके डंठल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से मैं सभी पत्तों को निकाल ली हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चाकू की मदद से इसे बारीक बारीक काट लूंगी। तो यहाँ पर आप सबको एक जगह रख के इस तरीके से आप इसके ऊपर चाकू चलाएं। फ्रेंड्स ध्यान रखें इसे काटने से पहले अच्छे से धो लें, या तो साफ करने से पहले धो लें। अगर उस टाइम पे आप नहीं धोए हैं तो इसे फिर जब पत्ती निकाल लेंगे तब धो लीजिए, क्योंकि ये पेड़ पे लगे हुए रहते हैं तो धूल डस्ट बहुत ज्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे अच्छे से काट ली हूँ, बहुत बारीक बारीक आप देख सकते हैं। अब इसे मैं एक कटोरी में निकाल लूंगी। अब यहाँ पर मैं ली हुई हूँ गेहूँ का आटा, एक कटोरी गेहूँ का आटा ली थी, तो उस पर मैं डालूंगी एक कटोरी मुनगा के पत्ते। तो फ्रेंड्स अब मैं इस पर डालूंगी मिर्च, तो यहाँ पर मैं दो हरी मिर्चों को काट ली हूँ। अब इस पर मैं डालूंगी ये है भुने हुए जीरे का पाउडर आधा छोटा चम्मच, साथ में ही मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर लीजिए। और डालूंगी एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें डालूंगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो की है बेसन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दो चम्मच बेसन डाली हूँ, ये पराठे में बेसन का इस्तेमाल होगा। अब मैं यहाँ पर डाली हूँ आधा चम्मच अजवाइन, तो अजवाइन को इस तरीके से हथेली पर लेकर इसे इस तरीके से मलकर फिर डालिए, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब फ्रेंड्स इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो मुनगा के पत्ते होते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन और पोटेशियम होता है, तो आप इसका पराठा एक बार जरूर बनाकर खाएं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इन सभी को अच्छे से मिला दी थी, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त सा आटा गूंथ लूंगी। फ्रेंड्स ये नॉर्मल जो गेहूं का आटा हम पराठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा ये कड़क होगा, इसमें वैसे भी बेसन डला हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे एक सख्त सा आटा गूंथ ली हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना आटा कड़क होकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये तैयार हो गया है आटा गूंथकर, अब मैं इसे ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि आटा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दी थी, अब मैं बनाऊंगी रायता। तो मैं ली हूँ दही और उस पर डालूंगी ये बूंदी। तो फ्रेंड्स मैं बूंदी को एक बार पानी से धो ली हूँ, ऐसा करने से जो बूंदी में तेल वाला टेस्ट होता है वो नहीं आएगा। अब मैं डालूंगी भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ में डाली हूँ काला नमक, और इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें ये है काली मिर्च का पाउडर, और साथ में डाली हूँ चाट। अब फ्रेंड्स लास्ट में मैं डालूंगी इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। फ्रेंड्स अगर आप प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी को मिला लूंगी और ये रायता जल्दी से बनकर तैयार हो गया है। इसे आप पराठे के साथ जरूर सर्व करें, ये पराठे के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स इस पे आप शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मीठा नहीं खाती इसीलिए मैं इसे शक्कर नहीं डाली हुई हूँ। ये रायता मैं ऐसे ही बनाकर तैयार करी हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आटा जो है वो तैयार हो गया है, अब मैं इसे एक बार और मसल लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसे जब सेट करने के लिए रखे थे उसके बाद जब आप ढक्कन हटाओगे तो उसके लिए 5 मिनट के लिए आप इसे और फिर से थोड़ा सा मसल लीजिए। अब इसमें से मैं एक लोई तोड़ूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा लोई तोड़ लीजिए, मैं इस साइज का लोई तोड़ी हुई हूँ। अब इसे मैं बेल लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसे हाथों की सहायता से एक गोल सा शेप दे दे। अब इसे मैं सूखे आटे में थोड़ा सा लपेट कर इसे बेलूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे सूखे आटे में थोड़ा सा इस तरीके से लपेट दी हूँ। आप यहाँ पर तेल लगा के भी इसे बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सूखे आटे में ही बेल कर तैयार करूंगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे नॉर्मल शाही रोटी का शेप दूंगी, यहाँ पर मैं कोई इसे शेप नहीं दे रही हूँ पराठे वाला। तो फ्रेंड्स आप इसे या तो फिर चौकोन या तो फिर ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। अगर आपको वैसा पराठा भी देखना है तो फिर मेरे चैनल पे वो भी है, ऊपर आई बटन पे आपको पराठे की लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे और भी बहुत अलग अलग पराठे की रेसिपी है, जैसे कि बीटरूट पराठा, कैबेज पराठा, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये पराठा बेलकर मैं तैयार कर ली हूँ, ये आप देख सकते हैं ये इतना मोटा है, इसे बहुत ज्यादा मोटा या पतला ना करें। अब मैं यहाँ पर तवा गरम करी थी और इसे ऐसे ही तवे पर डाल दी हूँ। फ्रेंड्स आप तवे पे स्टार्टिंग में तेल या घी ना लगाएं। अब जब ये एक साइड से हल्का सा सिक जाएगा तो फिर मैं दूसरे साइड से इसे सेकूंगी। फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब भी आप इसे सेके तो इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है, इसे कभी भी हाई फ्लेम पर ना सेके। तो जब तक कि एक पराठा सिक रहा था मैं दूसरा बेलकर तैयार कर ली थी, अब मैं इसे सरसों के तेल पर सेकूंगी। फ्रेंड्स आप इसे कोई भी तेल या घी में लगा के इसे सेक सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे सरसों के तेल पे एक बार जरूर सेक कर देखिए, ये पराठे का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं सरसों का तेल लगा के इसे अच्छे से सेक ली हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार आप ये पराठा जरूर बनाएं और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आप ये पराठा घर पर ट्राई करते हैं तो मेरे साथ आप ये इंस्टाग्राम पर इसकी फोटो शेयर कर सकते हैं, मैं उसे अपने स्टोरी पर जरूर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से दबा दबा कर ये पराठे को सेक कर तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर ये पराठा सिक कर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये पराठा तैयार है, इसी तरीके से मैं दूसरे पराठे को भी सेक लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सभी पराठों को सेक कर तैयार कर ली हूँ, इससे कम से कम 9 पराठे बनकर तैयार हुए हैं इतने आटे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्लेट पे मैं थोड़े से मुनगे के पत्ते रखी हूँ, इस तरीके से पराठे एक के ऊपर एक रखी हूँ और एक पराठे को मैं यहाँ पर ये पिज्जा कटर से काट ली हूँ, आप चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसे नॉर्मल ऐसे सजाने के लिए इसे थोड़ा छोटा बड़ा काटी हूँ, आप देख लीजिए इस तरीके से ये बड़ा टुकड़ा है, बाकी इससे छोटे 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 टुकड़े हैं। तो यहाँ पर थाली में इस तरीके से मैं इसे सजाई हुई हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से ये पराठे की थाली सर्व कर सकते हैं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और दिखने में भी। अब मैं यहाँ पर रखी हुई हूँ ये प्याज के कटे हुए ये रिंग। तो फ्रेंड्स इस तरीके से प्याज को रिंग के शेप में काट लीजिए, इसके ऊपर मैं डालूंगी प्लेन दही। फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्लेन दही की जगह रायता या टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, ये दिखने में इतना सुंदर लगेगा थाली कि कोई भी खाए बिना रह नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसे जरूर बनाएं। अब मैं यहाँ पर ये जो रायता बनाई हुई थी उसे भी रखूंगी। तो फ्रेंड्स ये सुंदर सा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है, ये दिखने में जितना सुंदर है उतना ही खाने में टेस्टी और गुणों से भरपूर है। तो फ्रेंड्स एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।